ट्रिग्नोमेट्री दो लफ्ज़ों से बना मतलब, triangle है ट्रिग्नो स्टैंड फॉर ट्राइंगल एंड मीट्री फॉर मईरमेंट्स मतलब मईरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्रीज़ का होता है जो यहाँ ब्लू में शोन है एक एंगल को हम थीटा कहते हैं यहाँ रेड में शोन है और थर्ड एंगल इक्वल होता है 90 माइनस थीटा के कैसे क्योंकि ट्राइंगल में तमाम इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री रीअरेंज करें और 90 और थीटा को दूसरी साइड पर जाएं, उनके साइंस माइनस हो जाएंगे और थर्ड एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा ट्राइंगल की हर साइड का एक स्पेशल नेम होता है विद रिस्पेक्ट टू गिवन एंगल थीटा जो साइड थीटा के ऑपोजिट है यहाँ पे रेड कलर में उसे ऑपोजिट साइड कहते हैं और उसको लिखा जाता है ओ पी पी लंबी साइड जो कि हमेशा राइट right एंगल के ऑपोजिट होगी उसे कहते हैं हाई और लिखा जाता है एच वाई पी ग्रीन साइड जो कि थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट है उसे लिखा जाता है ए डी जे जो सिक्स फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो दरअसल इन थ्री साइड्स की लेंथ्स की आपस में रेशोस हैं हाई डिवाइडेड बाय अदर टू साइड्स ऑपोजिट डिवाइडेड बाय अदर टू साइड्स और एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अदर टू साइड्स और इन सिक्स ट्रिकनोमेटिक फंक्शंस के नाम ये हैं ट्रिक फंक्शंस की थ्री लेटर एब्रीवेशन यूज़ होती हैं पहले पांच की एब्रीवेशन में तो एज़ इट इज़ फंक्शन के ही फर्स्ट थ्री लेटर्स यूज़ होते हैं लास्ट वन जो कि कोसिकेंट है उसकी एब्रिवेसन हम सी ओ एस नहीं लिख सकते क्योंकि वो ऊपर कोसाइन की जगह यूज़ हो चुका है लिहाजा इसको सी एस सी लिखा जाता है हम फर्स्ट थ्री से शुरू करते हैं इनको याद रखने के लिए फेमस नुमानिक है सोका टोवा एस ओ एच सी ए एच और टी ओ ए बिल्कुल उस तरह जिस तरह पाकिस्तान में हम पढ़ते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग लेकिन ये वाला बहुत अमेजिंग है सोह साइन इज इक्वल टू अपोजिट और हाईपोर्टिन्यूस एस ओ एच काह को साइन इज इक्वल टू एडजेंट और हाईपोर्टिन्यूस सी एच टोआ टेंजेंट इज इक्वल टू अपोजिट और एडजेसेंट। टी ओ जल्दी से एक एग्जांपल ट्राई करते हैं एक लेडर सी है जो कि वॉल के साथ लगाई है इसमें हाई है 7.4 जबकि एंगल के अपोजिट है और एडजेस्टेंट हैं 4.2 और 6.1 पॉइंट रिस्पेक्टिवली अब साइन थीटा की वैल्यू होगी सो अपोजिट ओवर हाई यानी 4.2 मीटर डिवाइड बाय 7.4 मीटर इज इक्वल टू 0.568। और कॉस थीटा की वैल्यू होगी का एडजेसेंट और हाई यानी 6.1 मीटर डिवाइड मीटर इज टू पॉइंट और टेंथ थीटा की वैल्यू होगी टोआ ऑपोजिट ओवर adjacent, यानी 4.2 मीटर डिवाइड बाय 6.1 मीटर इज इक्वल टू 0.656। अगले थ्री टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले वाले थ्री के रेसिप्रोकल्स होते हैं और रेसिप्रोकल्स लेना बहुत आसान है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को स्विच कर देते हैं साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट इज इक्वल टू hypotenuse ओवर ऑपोजिट इसी तरह कोसाइन का रेसिप्रोकल होगा secant, hypotenuse ओवर adjacent। और टेंजेंट का ऐसे प्रोगल होगा कोटेंजेंट एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट इन तीनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम क्विकली लेफ्ट वालों को देख के निकाल सकते हैं याद सिर्फ ये रखना है कि इन थ्री में कौन सा फ़ंक्शन सोकाटोवा के किस फंक्शन के साथ पेयर बना रहा है हर पेयर में एक फंक्शन ऐसा होगा जो लफ्ज़ को से शुरू हो रहा होगा हम शुरू करते हैं टेंजेंट और को से क्योंकि इनके नाम काफ़ी सिमिलर हैं टोवा के मुताबिक टेंजेंट है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट लिहाजा कोटेंजेंट होगा एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट लेकिन साइन और कोसाइन की साउंड सीकेंड या कोसीकेंड जैसी नहीं है लेकिन क्योंकि हर पेयर में एक ही को साउंड वाला फंक्शन है इसलिए साइन का रेसिप्रोकल सीकेंड नहीं हो सकता लिहाजा साइन कोसिकेंड के साथ पेयर बनाएगा और कोसाइन सीकेंड का रेसिप्रोकल होगा अब देखते हैं कार्टीसियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ क्वाड्रेंट। इमेजिन करते हैं एक प्लेन विद परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है जबकि वाई एक्सिस की अप साइड पॉजिटिव होती है और डाउन साइड नेगेटिव होती है पॉइंट जहाँ एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं वो ओरिजिन कहलाता है प्लेन पे मौजूद इंफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स को सिर्फ दो नंबर्स के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक्स कोऑर्डिनेट जो उस पॉइंट का डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव शो करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट जो उस पॉइंट का डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव शो करता है अलॉन्ग वाई एक्सिस तो प्लेन पे मौजूद हर पॉइंट एक ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस प्लेन को फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है जो कि रोमन नंबर्स में लिखे जाते हैं क्वाड्रेंट वन में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं क्वाड्रेंट टू में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है क्वाड्रेंट थ्री में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं क्वाड्रेंट फोर में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव होता है इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं सिर्फ जहन में ये नक्शा बना लें और हमेशा पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएँ लेफ्ट और राइट right, फिर वर्टिकल जाएँ अप और डाउन नेक्स्ट हम समझते हैं एंगल्स की मैरमेंट डिग्रीज और रेडियंस में ये एक सर्कल है जो कुछ कॉमन और इंटरेस्टिंग एंगल्स दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री कुछ इस तरह से बन रहा है आपको ये सब एंगल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है एक क्वाड्रेंट टोटल 90 डिग्रीज़ का होता है लिहाजा आप आसानी से किसी भी एंगल को मैयर कर सकते हैं मिसाल के तौर पे ये पॉइंट कौन से एंगल पे है ये है वन एटी डिग्री प्लस थर्टी डिग्रीज तो ये होगा टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री तो ये थर्टी थर्टी डिग्री के एंगल आप गौर से देखें तो वॉल क्लॉक के हार्स की तरह हैं उन्हीं की तरह की लोकेशंस पे हैं टोटल बारह डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और थ्री सिक्सटी डिग्री इक्वल होता है ज़ीरो डिग्री के इनके अलावा 45 डिग्री के एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हर क्वाड्रेंट को बाइसेट करते हैं यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसलिए 45 45 फोर्टी डिग्रीज के एंगल्स को भी ऐड करना आसान हो जाता है साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स नॉर्मली एंगल्स के लिए डिग्रीज नहीं बल्कि रेडियंस यूज करते हैं इमेजिन करें एक सर्कल विद रेडियस आर हम इसको अलाइन कर लेते हैं सर्कल के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर फिर उसको सर्कल के ऊपर बेंड कर लेते हैं जहाँ तक वो जा सके अब ओरिजिन से इसके एंड्स पे रेज ड्रा करें तो ये जो एंगल बन रहा है इसका साइज होता है वन रेडियन जो कि अगर हम प्रोटेक्टर यानी डी से मैयर करें तो इसकी वैल्यू होगी सिक्सटी डिग्री से थोड़ी सी कम फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री डिग्री सर्कल की सर्कम यानी इसकी बाउंड्री की कंप्लीट लेंथ होती है टू पाई आर यानी टू पाई रेडियस अराउंड द सर्कल मतलब सर्कल के अंदर का कंप्लीट एंगल होगा टू पाई रेडियंस चले काउंट करते हैं एक आर पहले ही मौजूद है टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स आर और थोड़ा सा बच गया तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो बना सिक्स प्लस पॉइंट थ्री रेडियन इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट थ्री रेडियंस जो कि होता है टू पाई रेडियंस के इक्वल तो एक सर्कल में होते हैं टू पाई रेडियंस तो अगर पूरे सर्कल के अराउंड टू पाई रेडियन है तो हाफ सर्कल के अराउंड पाई रेडियन होगा इस तरह 90 डिग्रीज इक्वल होगा पाई बाय टू रेडियंस के और अगर पाई की डिफरेंट फ्रैक्शंस की जाए तो वो डिफरेंट एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगी जो हम ऑलरेडी डिग्रीज़ में देख चुके हैं पहली नज़र में ये इंतहाई ड्राउना नज़र आता है मगर आपको इन्हें याद नहीं करना क्योंकि इनको लॉजिकली फिगर आउट किया जा सकता है चलें देखते हैं सबसे पहले जो सबसे आसान पॉइंट्स हैं वो देख लें जीरो डिग्री इक्वल है जीरो रेडियन के नाइन्टी डिग्री इक्वल है पाई बाई टू के फिर 180 डिग्री है जो टू टाइम्स पाई बाय टू है फिर 270 डिग्री है जो थ्री टाइम्स पाई बाई टू है और कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री फोर टाइम्स पाई बाई टू है ये पैटर्न आपने देख लिया है पाई बाई टू पाई बाई टू के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है इनमें ये दो टर्म्स सिंपलीफाई होने के बाद बन जाती हैं पाए और टू पाए नेक्स्ट इज़ी एंगल्स हैं 45 डिग्री के हिसाब से इंक्रीज होने वाले तो अब वो देखते हैं 45 डिग्री का एंगल इक्वल है पाई बाय फोर के 90 डिग्री का एंगल बनता है टू पाई बाय फोर जो हम ऑलरेडी सिंप्लीफाइड निकाल चुके हैं 135 डिग्री बनता है थ्री पाई बाय फोर वन डिग्री बनता है फ़ोर पाई बाय फोर ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं टू डिग्री बनता है फाइव पाई बाय फोर टू सेवेंटी डिग्री बनता है सिक्स पाई बाय फोर ये भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिग्री बनता है सेवन पाई बाई फोर फाइनली थ्री सिक्सटी डिग्री बनता है एट पाई बाय फोर यानी कि टू पाई। ये पैटर्न आप देख रहे हैं पाई बाय फोर के हिसाब से इनक्रीज हुए जो न्यू टर्म्स आई हैं रेडियन में उनको अपने टेबल में एडजस्ट कर लेते हैं और रिमेनिंग टर्म्स की ज़रूरत नहीं वो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे नेक्स्ट चलते हैं थर्टी डिग्री एंगल्स को इंक्रीज करते जाते थर्टी डिग्री मतलब वन एटी डिग्री या पाई का वन बाय सिक्स यानी थर्टी डिग्री जो कि इक्वल है पाई बाय सिक्स के अब आपने सर्कल की तरफ नहीं देखना सिर्फ टेबल फिल करते हैं सिक्सटी डिग्री का एंगल बनता है टू पाई बाय सिक्स नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता है थ्री पाई बाई सिक्स और यूँ ही इंक्रीज करते जाएं फोर पाई बाई सिक्स फ़ाइव पाई बाई सिक्स सिक्स पाई बाई सिक्स सेवन पाई बाई सिक्स एट पाई बाई सिक्स नाइन पाई बाई सिक्स टेन पाई बाई सिक्स एलेवन पाई बाई सिक्स ट्वेल्व पाई बाई सिक्स ये पैटर्न आप देख रहे हैं पाई बाय सिक्स के हिसाब से इनक्रीज़ हो रहा है इनमें से जो ऑलरेडी हमने लिख लिए हैं वो हम रिमूव कर देते हैं 30 डिग्रीज़ के हिसाब से ऐड होने वाले एंगल्स को मैंने लेफ़्ट पे जबकि 45 और 90 वालों को टेबल के राइट right साइड पे लिख दिया है इसमें अब भी कुछ टर्म्स मजीद सिंप्लीफाई हो सकती हैं तो कर लेते हैं पाई बाय थ्री टू पाई बाय थ्री फोर पाई बाय थ्री फाइव पाई बाय थ्री सर्कल पे आप इस तरह से 16 पॉइंट्स ड्रॉ कर लें अब जीरो से शुरू करते हैं और पहले 90, 90 डिग्रीज के एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये आसान है 90 हम जानते हैं कि पाई बाई टू होता है 180 होता है इक्वल टू टू पाई बाई टू यानी पाए जबकि 270 होता है थ्री पाई बाई टू और कंप्लीट सर्कल बन जाता है फ़ोर पाई बाय टू यानी कि टू पाए अब फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव डिग्री के हिसाब से इंक्रीज़ करते जाते हैं अगर नाइन्टी पाई बाई टू है तो फोर्टी फाइव होगा पाई बाई फोर अब हम 45 यानी पाई बाई फोर के हिसाब से इंक्रीज़ करते जाते हैं तो नेक्स्ट होगा टू पाई बाय फोर पर ऑलरेडी लिखा हुआ है सिम्प्लीफाइड फॉर्म में पाई बाई टू नेक्स्ट होगा थ्री पाई बाई फोर नेक्स्ट होगा फोर पाई बाई फोर सिम्प्लीफाइड लिखा हुआ है ऑलरेडी फ़ाइव पाई बाय फोर सिक्स पाई बाई फोर सेवन पाई बाय फोर, फोर और एट पाई बाय फोर जो जो नाइन्टी डिग्री पॉइंट्स हैं उन पर पहले ही से सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखा आ जा चुका था यूँ हमारे नाइन्टी और फोर्टी फाइव के एंगल्स कम्प्लीट हो गए अब बारी है थर्टीज़ और सिक्सटीज़ की अगर 180 एटी पाए है तो इसको सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं यूँ 30 डिग्री होगा पाई बाय सिक्स अब हम 30 यानी पाई बाई सिक्स के हिसाब से इंक्रीज़ करते जाते हैं तो नेक्स्ट होगा टू पाई बाई सिक्स नेक्स्ट होगा थ्री पाई बाई सिक्स जो कि ऑलरेडी पाई बाई टू लिखा हुआ है नेक्स्ट फोर पाई बाय सिक्स फाइव फाइ बायस सिक्स पाई बाई सिक्स सेवन पाई बाय सिक्स एट पाई बाई सिक्स नाइन पाई बाई सिक्स टेन पाई बाय सिक्स इलेवन पाई बाई सिक्स ट्वेल्व पाई बाय सिक्स अब इन फोर टर्म्स को सिंपलीफाई कर लेते हैं टू पाई बाय सिक्स फाइव पाई बाय थ्री बन जाएगा फोर पाई बाई सिक्स से टू पाई बाय थ्री बन जाएगा एट पाई बाई सिक्स से फोर पाई बाय थ्री बन जाएगा और टेन पाई बाई सिक्स से फाइव पाई बाय थ्री बन जाएगा यू थर्टी और सिक्सटी के एंगल्स भी कंप्लीट हो गए हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि 90 परसेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम के मातहत काम करती है कभी कभी 100 परसेंट भी इसलिए इससे फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल्स पे एप्लीकेबल होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशियोज भी इसी पे डिपेंड करती हैं ये थ्योरम कहता है कि फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वेयर ऑफ द हाई इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्र ऑफ द अदर टू साइड्स हमारे स्पेसिफिक केस में हाइपोटीन्यूस स्क्वेयर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर और इसकी इजी पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है थ्री फोर फाइव का ट्राइंगल थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव का स्क्वेयर और यही पाइथागोरस थ्योरम है बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉटेंट अब आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है यूनिट सर्कल ये एक सर्कल होता है जिसका रेडियस वन होता है हम यूनिट इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में रेशोज़ ऑफ लेंथ्स लेंगे तो वो कैंसल आउट हो जाएंगी रेडियस वन सेंटीमीटर भी हो सकता है वन इंच वन माइल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम एक्स प्लेन के ओरिजिन से सर्कल ड्रॉ करते हैं सर्कम फ्रेंस पर मौजूद हर पॉइंट सर्कल के ओरिजिन से वन यूनिट डिस्टेंस पे है क्लैरिटी के लिए देखें इसके राइट मोस्ट पॉइंट को जो कि एंगल जीरो होता है वहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वन ज़ीरो टॉप मोस्ट पे पाई बाय टू रेडियन या नाइन्टी डिग्री पे होते हैं कोऑर्डिनेट्स ज़ीरो वन लेफ्ट मोस्ट पे होते हैं माइनस वन जीरो और बॉटम मोस्ट पे होते हैं ज़ीरो कॉमा माइनस वन अब हम कोई भी पॉइंट सर्कम फ्रेंस पर ले लें तो वो एग्जैक्टली वन यूनिट फ्रॉम सेंटर होगा यहाँ से अब हम अपनी वर्टिकल लाइन ड्रॉप करते हैं और ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे भी लाइन ड्राप करते हैं और इस वजह से हमारा सोकटोआ सिम्प्लीफाई हो जाता है क्योंकि एच हाईपोटिन वन है साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाईपोटी होता है और कॉज थीटा इज़ इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाईपोटिन्यूस होता है क्योंकि हाइपोटिन इक्वल टू वन के है इसलिए ये रेशियो सिम्प्लीफाई हो जाती हैं फॉर यूनिट सर्कल ओनली साइन थीटा सिंपली लेंथ ऑफ अपोजिट साइड हो जाता है और कोसाइन थीटा लेंथ ऑफ एडजेंट साइड बन जाता है सो so, सोकाटोवा के मुताबिक टेंजेंट थीटा इक्वल होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट के क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट है और कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट है इसलिए ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट इक्वल हो जाता है साइन ओवर कोसाइन के तो टेंजेंट थीटा इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो कि अलजिब्रिकली सेम है एज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट इसका मतलब है कि हम साइन और कोसाइन डायरेक्टली रीड कर सकते हैं यूनिट सर्कल से क्योंकि ये सर्कम फ्रेंस मौजूद इस पॉइंट एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं एंगल थीटा के लिहाज से और आपको इन तमाम एंगल्स का कोसाइन और साइन मालूम होना चाहिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको इसका ऐसा आसान तरीक़ा समझाने वाला हूँ जिसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी देखें क्वार्टर बाउंड्रीज़ की वैल्यूज़ तो हम पहले ही देख चुके हैं इसमें से हर एक वैल्यू में वन और जीरो होता है और पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ख्याल रखना होता है फिलहाल इनको रिमूव कर देते हैं ताकि बाकी ट्वेल्व पर फोकस कर सकें अब इनके साइन और कोसाइन मालूम करने के लिए आप इस पिक्चर को जहन में रखें और थ्री नंबर्स याद रखें मैंने इनको नाम दिए हैं लार्ज मीडियम और स्मॉल और इनको याद रखना बहुत आसान है लार्ज नंबर है स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री बाई टू मीडियम नंबर है स्क्ोयर रूट ऑफ टू बाई टू और स्मॉल नंबर है स्क्वेयर रूट ऑफ वन बाई टू जो कि इक्वल है वन बाई टू के और ये हैं इनकी अप्रॉक्सीमेट डेसिमल वैल्यूज़ इनको लार्ज मीडियम और स्मॉल नाम इसलिए दिए हैं कि कोसाइन या साइन की जीरो और वन के अलावा थ्री और वैल्यूज़ हो सकती हैं विद रिगार्ड्स टू डिस्टेंस फ्राम औरिजन जैसे कि साइन जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है कि थ्री वैल्यूज़ हैं लार्ज मीडियम और स्मॉल और कोसाइन जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक है उसकी भी थ्री वैल्यूज हैं लार्ज मीडियम और स्मॉल पहले थर्टी डिग्री वाले एंगल यानी पाई बाई सिक्स को देखते हैं इसमें कॉस थीटा लॉन्ग है लिहाजा स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री बाई टू वैल्यू है और साइन थीटा यानी वाई की हाइट स्मॉल है इसलिए वन बाई टू लिखेंगे अब 45 डिग्री यानी पाई बाई फोर को देखें तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों की लेंथ मीडियम हैं और इक्वल भी हैं तो दोनों में वैल्यूज़ होंगी स्क्वेयर रूट ऑफ टू बाई टू और फाइनली 60 डिग्रीज़ यानी पाई बाई थ्री को देखें कॉस्थ थीटा स्मॉल है और साइन थीटा लार्ज है अब आप बाकी के नाइन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं बस सिर्फ साइंस का ख्याल रखना होगा जो कि आप लॉजिकली भी सोच सही लिख सकते हैं आपको रट्टा नहीं लगवाना लिहाजा सब के सब नहीं कुछ पॉइंट्स पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं फाइव पाई बायस या वन फिफ्टी डिग्री पे इस पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और लार्ज है जबकि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और स्मॉल है तो हम लिखते हैं नेगेटिव स्क्वेयर रूट थ्री बाय टू एंड पॉजिटिव वन बाय टू अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं फोर पाई बाय थ्री के जो डिग्रीज में लिखा है टू हंड्रेड एंड सेवेंटी माइनस थर्टी यानी टू हंड्रेड एंड फोर्टी डिग्रीज इस पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और स्मॉल है जबकि वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है मगर लार्ज है तो हम लिखते हैं नेगेटिव वन बाई टू एंड नेगेटिव स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री बाई टू अब कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं सेवन पाई बाई फोर के जो डिग्रीज में कितना है टू सेवेंटी प्लस फोर्टी फाइव यानी थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिग्रीज़ इस पे एक्स कोऑर्डिनेट मीडियम साइज़ है पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी मीडियम साइज़ है पर नेगेटिव है तो हम लिखते हैं स्क्ोयर रूट टू बाई टू और नेगेटिव स्क्वेयर रूट टू बाई टू अब आप रिमेनिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी आसानी से निकाल लेंगे लेकिन सिर्फ किसी एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आपको मैथमेटिकल प्रूफ दे दूँ वरना कमेंट्स का एक सैलाब आ जाएगा ये यूनिट सर्कल है लिहाजा रेडियस ऑफ सर्कल वन है अपना ट्राइंगल हम कंप्लीट कर लेते हैं एक्स एक्सिस वाली लाइन को नीचे लाकर अब पाई बाय सिक्स हमें मालूम है थर्टी डिग्री होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल में थर्ड एंगल हुआ सिक्सटी डिग्री क्योंकि ट्राइंगल के जो अंदर वाले एंगल्स का सम होता है वो वन एटी डिग्री होता है अगर हम नीचे भी रेडियस ड्रॉ कर दें और ऊपर वाली रेड लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये बन गया एकटरल ट्राइंगल यानी जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं तो कंप्लीट रेड लाइन भी इस तरह वन होगी और हाफ रेड लाइन होगी वन बाई टू अब हम थ्योरम यूज़ करके थर्ड साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स स्क्र इज प्लस हाफ स्क्वेयर इज इक्वल टू वन स्क्वेयर एक्स स्क्र प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू वन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई फोर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री बाई फोर दोनों को साइडों पर स्क् रूट लेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू और ये हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थ्योरम तो यूज़ होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर अगर कभी ऑब्लिक एंगल ट्राइंगल आ जाएँ यानी एक्यूट या एपक्यूस एंगल वाला तो फिर किस तरह से एंगल या साइड फाइंड करेंगे यूजिंग कोसाइन एंड साइन लॉ कोसाइन लॉ में लव्स के अंदर एक अल्फ़ाबेट है सी तो यहाँ से याद रखना आसान है कि वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है और साइन लॉ में एस है तो वो ऑप्टूज़ एंगल्ड ट्राइंगल के लिए यूज़ होगा एक्ूट एंगल में साइड ए बी सी की अपोजिट साइड्स को हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और इसके जो एंगल्स हैं उनको हम लोग अल्फ़ा बीटा और गैमा से रिप्रजेंट करते हैं तो अगर कॉस ऑफ गैमा निकालना हो ठीक है यानी कि इस वाले कॉस ऑफ गैमा तो इसके जो अलावा बाकी दो साइड हैं उनका स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जबकि इसके ऑपोजिट साइड का नेगेटिव कर देंगे यानी माइनस सी स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे बाकी दो साइड से मल्टीप्लाई करके टू से टू ए बी यह आपका कोसाइन लॉ है इसी तरह ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल को भी लेबल कर लें बी सी और अल्फा बीटा गैमा और इसका फार्मूला क्या है A divided by sine of alpha is equal to B divided by sine of beta is equal to C divided by sine of gamma. Hope to see you again with some more geometry next time. Study with me a learning experience.